और इसी बात में उनको ये पूछी कि अगर आप सफ़र करेंगे तो आपके पास टाइम बहुत कम है, कम रह गया, कि आप इस टाइम में पूरा आप कर सकते हो। उन्होंने कहा, मैंने उनको जैसे पूछा कि आपने अपना सफ़र ख़त्म कर दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो, 1, 2, 3 स्टार्ट। हेलो एवरीवन, यू आर चेकिंग बाय मिस्टर कपार, कल वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। के साथ आपके गुफार व्लॉग्स में स्वागत है। आपको जैसे पता ही है कि मैं शहाब भाई से मिलने आया हूँ। कल मेरी मुलाकात हो गई है और मैंने आपको वो मुलाकात की वीडियो भी आपको दिखाई थी, और आज मेरी दूसरी मुलाकात रहेगी। मैं जाऊँगा, उनसे मिलूँगा और उनसे क्वेश्चंस करूँगा, क्या उनका जर्नी है जो स्टॉप हो गए, यहाँ से आगे नहीं करेंगे, जो मेरे माइंड में क्वेश्चंस थे वो मैं उनसे जाके करूँगा, और फिर उनसे ये भी पूछूंगा क्या वो लेट हो रहे हैं या नहीं, और कब अपना जर्नी शुरू करेंगे। सो ये सारे क्वेश्चंस पूछेंगे और आपके बीच में हम सामने आपके बीच में हम लाएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अब्दुल गफार खान है, वर्ल्ड ट्रैवलर, दुनिया घूमने के लिए निकला हूँ। अगर आप लोगों को भी दुनिया देखनी है तो जुड़ जाइए गफार व्लॉग्स के साथ। कुछ नहीं करने, बस रेड बटन को ब्लैक करना है या ब्लू करना है। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। मेरा आज रात का ठिकाना सोने का यहाँ पे, सबसे नीचे मैंने स्लीपिंग मैट, आपको ये थोड़ा सा दिखता है ये वाला, ये रहा स्लीपिंग मैट, उसके ऊपर एक चादर बिछाई। सर्दी यहाँ पे बहुत है और मैंने अपने बैग को आज मैंने बना लिया पिलो। पहले मैं बनाता था, ये है मेरे पास, आपको दिख रहा है स्लीपिंग बैग, इस बैग को मैं बनाता था पिलो, लेकिन इसको मैंने इस बार पिलो बना लिया। अब इसके बीच में मैंने घुसना है। लेकिन आरिफ भाई का मानना है कि बहुत ठंड होती है इनकी, जैसे हालत आप देख सकते हो कैसी ठंड रहती है रात को। बढ़िया ठंड रहती है, नीचे से आती है ठंड या ऊपर से आती है? पूरे तरफ से ठंडी ठंड आती है। फिलहाल ये है अपना ठिकाना, ये अभी मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे सरसों है। और आप लोगों को ये भी बात बता दूँ कि याद करें, अगर आपने शहाब भाई के चैनल पर वो वीडियो देखी थी जिसमें वो बता रहे थे, एक भाई साहब आए थे वहाँ पे लंदन से, यहाँ पे आए थे शहाब भाई से मिलके, उनको गुजरात जाना था और वो ये दिखा रहे थे, और शहाब भाई ये भी बता रहे थे कि वो टेंशन में थे और यहाँ आके सरसों को देख के बहुत खुश हो गए थे। अभी सरसों का टाइम चल रहा है, मक्के की रोटी, सरसों का साग और लस्सी हो तो मज़ा ही आ जाता है, मेरा भी फेवरेट है। अभी फ़िलहाल मक्के की रोटी थोड़ी थोड़ी कम की हुई है, बट ये अच्छा रहता है, बहुत मज़ा आता है। ये वही जगह है, जनाब मेरी मुलाकात तो हो गई उनके साथ, और मुलाकात के बाद मैंने कुछ रखे क्वेश्चंस उनके सामने, लेकिन उन्होंने शूट के लिए मतलब लाइक उन्होंने कहा कि कैमरा अभी मत लाओ, कैमरा कुछ दिक्कत आ रही है और सीरियसली में कुछ दिक्कत है, तो इसीलिए मैंने ना ही उनको परेशान किया, और उन्होंने भी कहा कि कैमरा के सामने नहीं। उन्होंने मुझे ये कहा कि कुछ मैसेजेस दिए मुझे कि ये सभी लोगों को बता देने। पहला मैसेज यह है कि वो अपना जर्नी है जो स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि अपना जर्नी है जो ख़त्म कर दिया। मैंने उनको जैसे पूछा कि आपने अपना सफ़र ख़त्म कर दिया, बंदा यहाँ से ऐसा कुछ होगा, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अपना जर्नी है जो शुरू करेंगे। मैंने पूछा कब करेंगे, उन्होंने कहा ये वो नहीं बता सकते हैं कि कब वो अपना जर्नी शुरू करेंगे, क्योंकि नहीं पता होता है कि कब जर्नी शुरू करेंगे। बस ये मैं आपको ऊपर से आपको बात बता रहा हूँ, अंदर की बात नहीं बता रहा हूँ। और तीसरी बात में उनको ये पूछी कि अगर आप सफ़र करेंगे तो आपके पास टाइम बहुत कम है, कम रह गया, कि आप इस टाइम में पूरा आप कर सकते हो। उन्होंने कहा बिल्कुल सफिशेंट टाइम है, ठीक टाइम है उनके पास, कोई भी कम नहीं हो रहा है, इसी टाइम में वो अपना जर्नी है जो कर लेंगे। फिर उनने मुझे ये कहा कि यूट्यूबर्स को ये मैसेज दे दो, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, फेक थंबनेल्स ना चढ़ाएं, फेक थंबनेल्स, फेक वीडियोस मत अपने तरीके से कुछ भी मत बनाएं, अपनी तरफ से अपडेट्स मत बताएं। अपडेट्स ये होती है जब उनका वीज़ा डन हो जाएगा तो वो पाकिस्तान पहुँचेंगे या निकलेंगे, बस यही अपडेट है। तो बस यही सारे यूट्यूबर्स के लिए मैसेज है शहाब भाई की तरफ से कि फेक वीडियोस मत बनाओ, अच्छी वीडियोस बनाओ, लाइक अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स को लेके बनाओ, जो भी वीडियो है एक्चुअल, जो भी फैक्ट है, ऐसे बातें डाली जा रही हैं बीच में उसके लिए उनको दिक्कत आती हैं, ऐसी कोई भी वीडियो नहीं होनी चाहिए। और उनका ये मानना है जब वो निकलेंगे यहाँ से
तो तब सारी दुनिया को पता चल जाएगा। तो और उनका भी यही मानना है कि मैक्सिमम वीडियोस तब आप लोग शुरू करें। अभी सिंपल अपडेट्स तो किसी के पास भी है नहीं है, तो अपनी अपनी अपडेट्स बताते रहते हैं, तो ये उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, उन इश्यूज़ बनते हैं। सो बस यही थी मुलाकात, आपने देखा मैंने उनको गले लगाया, वो भी मुझे मिले। तो अभी मैं जा रहा हूँ, अब आज ही रात को दिल्ली निकलूँगा, 10 तारीख को मेरा चेकअप है। अब बार बार चेकअप कहता हूँ आप लोगों को, क्या बताऊँ कि क्या चेकअप है, मेरी आंखें दर्द करती हैं और थोड़ा मेमोरी इश्यूज़ रहते हैं, उस चेकअप के लिए मैं निकल रहा हूँ। एक बार ये है आफिया किड्स स्कूल, एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है वही सरसों का साग जो शहाब भाई देख के जिसको खुश होते हैं। आफिया किड्स स्कूल बिल्कुल सामने, वहाँ से एंट्री, और ये है सरसों का साग, ये है सामने रोड, ये इस साइड जाती है वाघा बॉर्डर की तरफ, अटारी बॉर्डर की तरफ। यहाँ से है कुछ 12-13 किलोमीटर से यहाँ से अटारी बॉर्डर, और ये रोड जाती है अमृतसर। अभी बिल्कुल मान ढाबा के पास यहाँ पे ये बेचारे लोग रहते हैं, यहाँ पे शहाब भाई इनके साथ भी आए थे मिलने। आपसे शहाब भाई मिलने आए थे? हाँ, मिलने आए थे। अच्छा, अम्बल अम्बल दे दिया और दावा दिया चावल और बिरयानी का। ओके, और दावत दिया कम से कम, और 1000 रुपया भी दे गया बेचारा। बच्चे को देखे गया, लंगड़े को दो बिगलान बच्चे मेरे। अच्छा, बच्चे को भी दिए? हाँ जी सर। आप लोगों का सपोर्ट किया, हेल्प किया बहुत ज़्यादा। आप लोग कहाँ से हो वैसे? हम पहले रहने वाले यूपी के शाहजहाँपुर के। ओके, अब अपना घर मलेरकोटले में। मलेरकोटले में अपना घर? मलेरकोटले में। यहाँ क्यों रुके हुए हो? यहाँ अपने बिजनेस कर रहे हैं हम। अच्छा, बिजनेस कर रहे हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए, खेती बाड़ी हमारे पास है नहीं। ओके, हाँ, घर थोड़ा छप्पड़ पर डाल रखे वहाँ पर। ओके, महीना 4 महीना रुकेंगे यहाँ पर, 4-5 महीना रुक के अपना कश्मीर चले जाएंगे। तो फिर कश्मीर चले जाओ काम के लिए? काम के लिए फिर कश्मीर। क्या नाम है आपका? असलम। असलम आपका नाम है, आप लोग यूपी से हो। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि शहाब भाई यहाँ पे आए, इन लोगों से मिले, इन लोगों को पैसे दिए, कपड़े वपड़े दिए, कंबल वगैरह दिए। इस बेचारे को भी मिले, वो इसको भी कुछ दिया ने? इनको दिया 500-500 रुपये दिए इन दोनों को। इन दोनों को 500-500 रुपये? अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी आप लोग यहाँ पे काम शाम करने के लिए आए हो? काम शाम करते हैं। ओके, आज क्या बना रहे हो? आज बना रहे हैं रोटी बना रहे हैं और गोश्त लेके आए, मीट लेके। गोश्त बनाओगे? थोड़ा ज़्यादा बनाना, आज मैंने भी आना है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। मजाक किया, मैं नहीं आऊँगा। बात नहीं भाई, खा लेना। तो अभी मेरी भी तैयारी हो रही है, अभी शाम के 5:30-6 बज चुके हैं और मेरी भी तैयारी हो रही है दिल्ली की तरफ निकलने की, और मेरे भैया भी आ रहे हैं। भैया भी दिल्ली आएंगे क्योंकि मेरे साथ कोई बंदा होना चाहिए चेकअप के लिए। डॉक्टर्स ने कहा था कि चेकअप के लिए कोई बंदा साथ में होना चाहिए, जैसे कि बार बार पहले आपको बताया था कि चेकअप क्या चेकअप, थोड़ा सा नींद में दिक्कत आती है, आँखों में प्रॉब्लम है, तो वही चेकअप के लिए। एक बार फिर से हम इसको खासा को बाय बाय कर देते हैं। अब दोबारा खुदा जानता है, ऐसा ना हो हम कहीं दूर पे हों और पीछे से शहाब भाई चले जाएं, कुछ भी हो सकता है, हम कुछ नहीं बता सकते, अल्लाह जानता है क्या होने वाला है। तो बट फिलहाल ये कुछ माहौल है यहाँ का। अच्छा, अब टाइम आ गया निसार भाई को भी अलविदा कहने का, और प्यारे भाईजान अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई को भी अलविदा कहने का। आरिफ भाई आज थोड़े से सैड है, इनके फैमिली में एक डेथ हो गई है, तो उसकी वजह से सैड है। आप सभी लोग दुआ करेंगे, और इनकी खाला की डेथ हो गई है एक्चुअल में, आप लोग सभी ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो अब दो मुझे आप लोग इजाज़त, मैं चलूँ, मैं दिल्ली निकल रहा हूँ, एक दो दिन दिल्ली रुकूँगा, फिर वहाँ से वापस का प्लान भी आपको बता दूँगा कि क्या है मेरा वापस का प्लान। डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी, आप लोगों ने हमारे साथ बने रहना है। अभी दो मुझे इजाज़त, कार्रवाई भी लाफेज कभी। अभी बहुत सारी बातें हैं जो मैं मुंह पे नहीं ला सकता हूँ, ज़ुबान पे नहीं ला सकता हूँ, बस दुआओं में याद रखना। अरे भाई देखो, वकार भाई को विदा करते वैसे दिल तो टूट रहा है, कल जब ये आके पहुँचे थे तो बड़ी खुशी हुई थी, और जब आज यहाँ से ये जा रहे हैं तो एक दिल पे उदासी भी है इस बात की के है, गफ्फार भाई आए और फिर वो वापस जा रहे हैं। अब गफ्फार भाई एक दिन में दो दिन में आते हैं या नहीं, अब ये तो यही जानते हैं। तो हमारी दिल से दुआएं हैं कि ये जहाँ भी रहें वहाँ खुश रहें।
आमीन आमीन आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये मैं बताना चाहता हूँ कि भाई गफ्फार भाई ने एक हॉस्पिटल में बताए थे उनका चेकअप का जो तारीख है, तो कल है ना तारीख? हाँ कल तारीख है, तो माशाल्लाह। नहीं कल नहीं है, परसों है। परसों है तारीख, वहाँ सवेरे सवेरे पहुँचना पड़ता, तो इसलिए गफ्फार भाई अभी जा रहे हैं, अभी देखना है कब वापिस आते हैं। तो फिर वही आपको ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता आगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। बस अड्डे पे, यहाँ पे रखा मैंने अपना बैग, ये सारे बैग्स भी पड़े हुए हैं यहाँ पे। गणपति ट्रैवल से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ दिल्ली की तरफ, और जो आपको मैं बात बताने जा रहा हूँ कि मैंने सीट इस बार सीट ली, स्लीपर नहीं लिया। स्लीपर मिल रहा था मुझे शेयरिंग, और शेयरिंग में बहुत दिक्कत रहती है यार, मुझे नहीं होता शेयरिंग में, तो मैंने सीट ले ली। सीट पे बैठ के जाऊँगा, नींद आएगी तो वहाँ पे सो जाऊँगा, वरना मुश्किल रहता है। ये भैया भी जाएंगे, आप लोग भी दिल्ली जा रहे हो? स्लीपर लिया या सीट ली? शेयरिंग वाला क्या करें सर, इन्होंने शेयरिंग वाला ले लिया, लेकिन मुझसे नहीं होता शेयरिंग यार, स्लीपिंग में नो शेयर, नो शेयर एट ऑल, इसीलिए मेरी शादी भी नहीं हो रही है। अच्छा मैं मिलता हूँ सुबह आपको दिल्ली पहुँच के, तब तक के लिए अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान रखिए। और इम्पोर्टेंट मैसेज जो हमेशा देता हूँ कि अपने बच्चों को फ्यूचर की इम्पोर्टेंस बताएं, उनको दारू बीड़ी गुटखा तंबाकू शराब इन सारी गंदी आदतों से बचाएं। खुदा हाफिज़।